उत्तर प्रदेश के महोबा में कबरई थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक ऑल्टो कार से अवैध विस्फोटक सामग्री का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस कार से 1620 जिलेटिन छड़े और 1418 पावर सेल बरामद किए हैं। कबरई में इसे मुखबिर के आधार पर एक सूचना मिला, उसमें चेकिंग में एक ऑल्टो गाड़ी का पकड़ा। उसी गाड़ी से ऐसे 1620 जिलेटिन, 1600 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर वो मिला है। दो आदमी का अरेस्ट हो गई, राम मिलन, दूसरा का नाम है शिव शंकर, ये दो लोग का अरेस्ट हो गई। ऐसे राम मिलन के खिलाफ पहले हत्या केस भी है। अब इन लोग का हम पूछताछ करके कहाँ से परचेज कर रहा है, कहाँ सेल कर रहा है, ये लोग इसी एंगल में देख रहा है। कबरई एरिया में बार बार ये कंप्लेंट आ रहा है, विस्फोटक का इलीगल सप्लाई हो रहा है ज़्यादा। ऐसे वो खड़ान भी वो है, विदाउट परमिशन चल रहा है। डीएम साहब से बात करके, माइनिंग ऑफिसर से बात करके, सभी टीम बना करके इसी इलीगल बिजनेस का हम पूरी बंद करने के लिए पूरी प्रयास करें। महोबा से इनसाइड न्यूज़ के लिए अब्दुल नादिर की।